सहारनपुर में हलाल सर्टिफाइड दाल पकड़ी गई। जियोमार्ट में 116 दाल और चने के पैकेट किए गए जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। हलाल प्रमाणित मोहर लगाकर भेजे जा रहे उत्पादों पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने छापे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को टीम ने शहर के एक मॉल में छापा मारकर हलाल प्रमाणित दाल के 116 पैकेट जब्त किए। दाल के पैकेट नोएडा की एक कंपनी के हैं जिनकी मॉल में बिक्री हो रही थी। अब विभाग ने कंपनी पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। सहायक आयुक्त खाद्य पवन कुमार ने बताया कि शासन ने प्रदेश में हलाल प्रमाणित युक्त खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, विक्रय पर तत्काल प्रभाव से शनिवार को प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह ने ऐसे खाद्य पदार्थों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसी आदेश के तहत सोमवार को जिले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की गठित टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में मॉल, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। सहायक आयुक्त खाद्य पवन कुमार की टीम ने सोमवार को आवास विकास में हरि मंदिर स्थित एक मॉल पर छापा मारा। इस दौरान मॉल में हलाल प्रमाणित मोहर लगाकर दाल की बिक्री होती मिली, जिस पर टीम ने अरहर, मूंग और चना दाल की 116 पैकेट जब्त कर लिए। छापे में खाद्य सुरक्षा अधिकारी महावीर प्रेमी, कुलदीप, महेंद्र नाथ यादव, अश्वनी कुमार आदि मौजूद रहे। हलाल लिखे उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान शुरू हो गया है। गठित टीम अपने अपने क्षेत्रों में हलाल लिखे उत्पादों की जांच कर रही है। सोमवार को एक मॉल में हलाल प्रमाणित दाल के पैकेट मिले हैं जिन्हें टीम द्वारा जब्त कर लिया गया और अब कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर से लौटेंगे नई अपडेट के साथ।